रोवमैन पॉवेल ने नहीं की खुद की परवाह, 5 साल के बच्चे को बचाने के लिए दांव पर लगा दिया करियर। साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच रविवार को T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में खूब रन बरसे। पहले बैटिंग करते हुए सेंचुरियन के मैदान पर वेस्टइंडीज ने 258 रन ठोक दिए। तीसरे नंबर पर खेलने उतरे जॉनसन चार्ल्स ने शतक बनाया था। इस स्कोर के बाद टीम की जीत तय दिख रही थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के इरादे कुछ और थे। 7 गेंद रहते हुए क्विंटन डी कॉक की शतकीय पारी ने मेजबान टीम को मुकाबले में जीत दिला दी। वेस्टइंडीज यह मुकाबला भले ही हार गया, लेकिन टीम के कप्तान रोवमैन पॉवेल दिल जीत गए। इसकी वजह है मैदान पर हुई घटना। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद को डी कॉक ने लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। गेंद पकड़ने के लिए वेस्टइंडीज के कप्तान रोवमैन पॉवेल भागे। गेंद बाउंड्री लाइन के करीब थी और 5 साल का बॉल बॉय उसे उठाने की कोशिश करने लगा। पॉवेल डाइव मारकर गेंद को रोक सकते थे। उन्होंने डाइव नहीं लगाई, लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बच्चा चोटिल हो सकता था। ऐसे में उन्होंने अपने भागने का डायरेक्शन बदल दिया, लेकिन स्पीड की वजह से LED 8 बोर्ड से जा टकराए। पॉवेल ने बच्चे को बचाने की कोशिश में खुद चोटिल हो गए। इसके बाद खेल का काफी देर रोकना पड़ा। फिजियो ने आकर उन्हें चेक दिया। हालांकि पॉवेल की चोट गंभीर नहीं थी और उन्होंने फील्डिंग करना जारी रखा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। रोवमैन पॉवेल को फैन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड देने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही क्रिकेट साउथ अफ्रीका पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि इतने कम उम्र के बच्चे को बॉल बॉय बनाने से हमेशा चोटिल होने का खतरा बना रहता है।